अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं रज़ा आपका अपना दोस्त आपके अपने चैनल अर्निंग थिंग्स में आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूं। इस वक्त आप तमाम दोस्तों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त से तीन एयरड्रॉप्स जो है वो शेयर करूंगा। तीनों के तीनों एयरड्रॉप्स जो है वो कोइन मार्केट कैप के हैं। अब कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे कि जिन्होंने जैसे ही यहाँ पे नाम सुनना है कोइन मार्केट कैप का या यहाँ पे उन्होंने कोइन मार्केट कैप का ये वाला लोगो देखना है तो उन्होंने यहाँ से वीडियो को स्किप करना है और जाके उनको ज्वाइन कर लेना है, वहाँ से फॉर्म फिल करना और समझना है कि हम पार्टिसिपेट हो गए। ठीक है भाई, आपने कर लिया होगा या अभी करेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं इन एयरड्रॉप्स में। जैसे पहले शुरू से एयरड्रॉप्स आ रहे थे, अब यहाँ पर कुछ ना कुछ एयरड्रॉप्स जिनमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन जो हैं वो चेंज होती हैं, तो आपने जो है इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो लाजमी से रीड किया करें। तो आज इन्हीं टर्म्स एंड कंडीशंस को आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा कि ये जो एयरड्रॉप्स आप दोस्तों का शेयर करूंगा इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस थोड़ी सी चेंज है जो कि आप दोस्तों को यहाँ पे बताऊंगा। तो आपने वीडियो को पूरा वॉच कर लेना है, और अगर हमारे चैनल अर्निंग थिंग्स पे आप नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तमाम दोस्तों तक बआसानी पहुँचता रहे। अब जो हमारे पास सबसे पहले वाला एयरड्रॉप है यहाँ पे ये FDT का है, उसके बाद यानी फ्रूटी डायनो का है, उसके बाद यहाँ पे APNFT का है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास XXP का है। ठीक है, अब यहाँ पे इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस पे भी बात करेंगे और किस तरह से ज्वाइन करना है ये भी इस वीडियो में आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। अब सबसे पहले जो आपको लिंक मिलेगा, आप जैसे ही यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आएंगे आपको हमारे ब्लॉगर का लिंक मिलेगा, आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेना और करने के बाद ये जो आप दोस्तों को कोइन मार्केट कैप का ऑप्शन नजर आ रहा है इसके नीचे आपको ये ब्लू कलर का लिंक मिलेगा, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे आप दोस्तों के सामने कोइन मार्केट कैप का पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पे ये पेज ओपन होगा सिंपल इस तरह से आप दोस्तों के सामने पेज आएगा। आने के बाद आपने यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस जो है वो ऐड करना है, उसके बाद यहाँ पे अच्छा सा पासवर्ड ऐड कर देना, और अगर आप चाहते हैं कि आपको इसके अनाउंसमेंट्स वगैरह मिलती रहे तो इस पर आके आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आके आपने क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके मेल बॉक्स में एक मेल चली जाएगी, वहाँ से आपने अपने अकाउंट को वेरीफाई कर लेना है। जैसे ही वेरीफाई आप दोस्तों के सामने इसका मेन पेज जो है वो ओपन हो जाएगा इस तरह से। अब यहाँ पे ये जैसे ही ओपन होगा आप दोस्तों को यहाँ पे इस तरह से ये पेज सामने आएगा, तो सिंपल आपने क्या करना है कि आपको यहाँ पे प्रोडक्ट्स का ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये वाला प्रोडक्ट्स का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, इस पर आके आपने क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे आके क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे फ्री एयरड्रॉप्स का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे अब यहाँ पे 5 से 6 एयरड्रॉप्स जो हैं वो चल रहे हैं, लेकिन 3 एयरड्रॉप्स जो हैं वो बेस्ट हैं उनको ऑन गोइंग है, जिनमें यहाँ पे ये वाला एयरड्रॉप इसकी जो है इनकी मेंबर्स इनके ज़्यादा हो चुके हैं, तो ये इस वक्त एंड हो चुका है, और उसके बाद ये वाला जो है वीडियो आने तक हो सकता है एंड हो जाए, और उसके बाद हमारे पास ये 3 एयरड्रॉप्स बचे हैं जिनमें या इसकी टर्म्स एंड कंडीशन भी आप दोस्तों का शेयर करूँगा। जैसे यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट वाला है FDT है, उसके बाद NFT है, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास SXP है। ठीक है, अब सबसे पहले अगर हम ये वाले एयरड्रॉप की बात करते हैं FDT की, तो यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप दोस्तों के सामने यहाँ पे इस तरह से ये पेज जो है वो आ जाएगा। अब कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे जो यहाँ पे आते होंगे और आने के बाद सिंपल उन्होंने यहाँ पे एयरड्रॉप को ज्वाइन करना है, यानी ये वाला जो ऑप्शन आपको ज्वाइन एयरड्रॉप का नजर आ रहा है यहाँ पे उन्होंने आके क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे उन्होंने क्लिक करना है उनके सामने ये फॉर्म आएगा, आने के बाद उन्होंने यहाँ से फॉर्म को जो है फिल कर लेना है, करने के बाद यहाँ पे आके ये तमाम चीज़ें जो है ऐड करने के बाद ज्वाइन एयरड्रॉप पे क्लिक कर देना है। लेकिन भाई थोड़ा सा ठहरिए, अब यहाँ पे आपको मेन काम करना है, क्या करना है कि यहाँ पे आपने इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को लाजमी से रीड कर लेना है। ये इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस पड़ी हुई हैं। अब यहाँ पे इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो थर्ड नंबर पे इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस में ये ऑप्शन आ रहा है, इसको आप आके देखें। ठीक है, ये कह रहे हैं कि यहाँ पे ये मैं थोड़ा सा आपको मेंशन करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पे देखें, ये बता रहे हैं कि यहाँ पे आपने अपना BSC स्मार्ट चैन का वॉलेट एड्रेस या ट्रस्ट वॉलेट से या मेटामास्क से जो भी ऐड करना है, ठीक है ना, उसकी यहाँ पे आपको सबसे पहले वो वाला एड्रेस जो है वो आपने इनकी वेबसाइट पे ऐड करना है। ठीक है, ये देखिए इन्होंने बताया हुआ है, ये वाली इनकी वेबसाइट है। ठीक है, इस पे जाके आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है, करने के बाद वो वाला एड्रेस जो है आपने वहाँ पे जाके ऐड करना है, उसके बाद आपने आके यहाँ पे वही वाला BSC का स्मार्ट चैन का वॉलेट एड्रेस जो है यहाँ पे ऐड करना है, चाहे वो आपका बिना स्मार्ट चैन का हो, चाहे वो मेटामास्क का हो या ट्रस्ट वॉलेट का। आपने सबसे पहले इनकी वेबसाइट पर रजिस्टर करना है और अपना वो वाला एड्रेस जो आपने यहाँ पे ऐड करना है वो वहाँ पे भी जाके ऐड करना है। अब जैसे ही आप इस वाली वेबसाइट पे आके क्लिक करेंगे ना, ये जो आपको मैं मेंशन करके दिखा रहा हूँ ये वाली, ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे आप दोस्तों के सामने इसका मेन पेज जो है वो इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद ये आपको ऑप्शन मिलेगा माई अकाउंट का, ठीक है, ये वाला, ठीक है, इस पर आपने ये वाला माई अकाउंट का ऑप्शन नजर आ रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे आप दोस्तों के सामने इस तरह से इसका पेज जो है वो आ जाएगा।
अब यहाँ पे माई अकाउंट पे क्लिक करने के बाद इनका जो पेज आएगा वो लॉगिन का आएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन नजर आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे आप दोस्तों के सामने यहाँ पे साइन इन का पेज जो है वो आ जाएगा। आने के बाद आपने यहाँ पे सबसे पहले अपना यूजर नेम जो है वो ऐड करना है, उसके बाद यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस जो है वो ऐड करना है। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने बताया हुआ कि योर पर्सनल वॉलेट एड्रेस, यहाँ पे जो आपने एड्रेस ऐड करना है वो आपने अपना बिना स्मार्ट चैन का वॉलेट एड्रेस या मेटामास्क ट्रस्ट वॉलेट से BSC का वॉलेट एड्रेस जो ऐड करना है, जो यहाँ पे ऐड करना है वही वाला आपने जो एयरड्रॉप को ज्वाइन करना है उसमें भी ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आके अपना अच्छा सा पासवर्ड ऐड कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। जैसे रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे आपके मेल बॉक्स में एक मेल जाएगी, वहाँ से आपने इसको वेरीफाई कर लेना है, उसके बाद इसको ओपन कर लेना है। अब ये चीज़ आप दोस्तों को समझ लग गई होगी। करने के बाद अब आपने यहाँ पे सिंपल, इसके बाद आप जैसे ही इसको ओपन कर लेंगे उसके बाद आपने यहाँ पे आके एयरड्रॉप को ज्वाइन कर लेना है, वही वाला एड्रेस जो आपने यहाँ पे ऐड कर लेना है। अब दूसरे वाले एयरड्रॉप पे अगर हम आते हैं तो दूसरे वाला जो एयरड्रॉप हमारे पास है वो है APNFT का, ठीक है। यहाँ पे आप आएंगे तो ये सिंपल सा एयरड्रॉप है, उसी तरह से जिस तरह से यहाँ पे पहले आप ज्वाइन कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे अब आपने एक चीज़ का लाजमी से ध्यान रखना है कि आपने यहाँ पे अपना ट्रॉन वॉलेट का एड्रेस देना है या ट्रॉन एक्सटेंशन का देना है। किसी भी एक्सचेंज वगैरह से आपने एड्रेस जो है वो उठा के यहाँ पे नहीं ऐड करना, ठीक है ना। यहाँ पे आके आपने जो भी वॉलेट एड्रेस डालना है वो आपने यहाँ पे ट्रॉन वॉलेट का या ट्रॉन एक्सटेंशन से आके यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। ज्वाइन एयरड्रॉप पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे देखें अभी आप दोस्तों के सामने यहाँ पे एड्रेस जो ऑप्शन आ जाएगी, ये देखें ट्रॉन 20 वॉलेट एड्रेस, यानी आपने यहाँ पे आके अपना ट्रॉन स्मार्ट चैन का यानी जो ट्रॉन एक्सटेंशन होती है ट्रॉन वॉलेट होता है वो वाला एड्रेस ऐड करना है। बाकी की टर्म्स एंड कंडीशंस आपको पता है, आपने सिंपल इस तरह से इसको ज्वाइन कर लेना है। अब यहाँ पे जो हमारे पास नेक्स्ट वाला ऑप्शन है वो यहाँ पे हमारे पास एयरड्रॉप जो है वो है SXP का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें यहाँ पे इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो उन्होंने यहाँ पे बताई हुई है, वो अब यहाँ पे मैं आप दोस्तों को बताऊंगा। अब आपने यहाँ पे जैसे ही आएंगे, ये देखिए यहाँ पे आने के बाद आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे आप दोस्तों के सामने ये ओपन होगा। अब यहाँ पे आपने इसकी टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो रीड करनी है। अब इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप डायरेक्ट ना ज्वाइन करें, पहले आप ये साइड पे जो इसकी टर्म्स एंड कंडीशन है ना इनको आप लाजमी से फॉलो किया करें, ठीक है, ताकि आप दोस्तों को यहाँ पे इसकी समझ जो है वो लग सके, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये इन्होंने यहाँ पे ये तमाम चीज़ें जो बताई हुई हैं किस तरह से आपने यहाँ पे आके अपनी तमाम ये टर्म्स एंड कंडीशन को इनकी फॉलो करना है। यहाँ पे देखें ये इनका एक इनकी टर्म्स एंड कंडीशन जो है लास्ट में यहाँ पे इन्होंने बताई हुई ये वाली, ठीक है। यहाँ पे आप आएंगे तो इसको ज़रा आकर गौर से पढ़ लें, ठीक है। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि फिल आउट द फॉर्म एंड लीव अ न्यू सोलर SXP मेन नेट एड्रेस टू बी एलिजिबल फॉर द एयरड्रॉप, पार्टिसिपेट्स कैन डाउनलोडेड द न्यू सोलर SXP वॉलेट हेयर, ठीक है। ओल्ड SXP ERC20 या BEP20 वॉलेट एड्रेस नॉट एलिजिबल। अब आपने करना क्या है, अब यहाँ पे अगर आप जाते हैं ना ये वाली साइड पे तो इसका यहाँ पे कोई जो है एंड्रॉयड वॉलेट वो नहीं है, ठीक है। सिंपल मैं आप दोस्तों को दिखा देता हूँ कि जैसे ही आप साइड पे क्लिक करेंगे आप दोस्तों के सामने इस तरह से साइट जो है वो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे ओपन करने के बाद अगर आप यहाँ पे इसका वॉलेट जो है वो बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा वॉलेट क्रिएट अ वॉलेट का, ये देखें ये कम्युनिटी लिखा हुआ, और यहाँ पे आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इसमें यहाँ पे विंडो वॉलेट है, MSX चॉट है, उसके बाद लिनक्स है, उसके बाद सिक्योर है, ठीक है, गेट हब है, ठीक है। अब आपने करना क्या है, ठीक है, अब आपने करना ये है कि अब आपने जाना है अपने मेटामास्क में, मेटामास्क को आपने ओपन कर लेना है। यहाँ पे आने के बाद सिंपल जैसे आप यहाँ पे आएंगे आपने यहाँ पे आके मेटामास्क पे अपने क्लिक कर देना। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने मेटामास्क ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आने के बाद सिंपल आपने ये जो सेटिंग का आपको ऑप्शन नजर आ रहा है ये वाला, ठीक है ना, यहाँ पे ये वाला, इस पर आके आपने क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप दोस्तों के सामने यहाँ पे सेटिंग में ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे वॉलेट्स का, ये वाला वॉलेट्स का जो ऑप्शन नजर आ रहा है इसके सामने ये जो आपको एरो का निशान नजर आ रहा है ये वॉलेट्स का ऑप्शन है, यहाँ पे ये एरो का, आपने यहाँ पे आके एरो के निशान पे क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको वॉलेट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपने आके ये प्लस वाले निशान पे क्लिक करना है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक न्यू वॉलेट क्रिएट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। इस तरह से आपने यहाँ पे आना है, आने के बाद ये जो क्रिएट अ न्यू वॉलेट का ऑप्शन है इस पर आके क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे आपका वॉलेट यहाँ पे एक न्यू क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपने वापस आना है, आने के बाद सिंपल आप जैसे ही यहाँ पे आएंगे आने के बाद ये जो आपका मेन वॉलेट्स का ऑप्शन है इस पर आपने क्लिक करना है। करने के बाद यहाँ पे ये दो आपको दो डॉट्स नजर आ रहे हैं, ये दो लाइनें नजर आ रही हैं, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे आप दोस्तों के सामने इस तरह से सर्च बार जो है वो आ जाएगी। अब यहाँ पे आने के बाद आपने सर्च बार में आके सर्च कर लेना है, इस वाले सर्च बार में आके सर्च करना है
XP टोकन, ठीक है ना। इस तरह से आपने सर्च कर लेना है। यहाँ पे मैंने पहले से इनको ऑन किया हुआ है, मैं जरा इनको ऑफ कर देता हूँ। करने के बाद यहाँ पे देखें, आपने इन तमाम को, आपको यहाँ पे ये चार जो ऑप्शन नजर आ रहे हैं, चारों को आपने ऑन कर देना है, ठीक है। SXP हमने सर्च कर लिया। करने के बाद हमने यहाँ पे आके इन चारों ऑप्शन को जो है वो यहाँ पे कर देना है। ये फर्स्ट वाला अगर ERC20 का, दूसरा VEP का, उसके बाद BEP20 का, और उसके बाद SPL का, ठीक है। हमने यहाँ पे चारों को ऑन कर दिया। करने के बाद अब हमने यहाँ पे ये वाला जो BEP20, ये इस वाले एड्रेस को यहाँ से उठाना है। इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने रिसीव का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे ये रिसीव का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, इस पर आके आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप दोस्तों के सामने इस तरह से एड्रेस आएगा। इसको यहाँ से आपने कॉपी कर लेना है। करने के बाद सिंपल आपने यहाँ पे आके इसको ऐड करना है इस वाले ऑप्शन पे, ठीक है। यहाँ पे ज्वाइन ड्रॉप पे आके आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे वे वाला एड्रेस जो आपने यहाँ पे ऐड करना है, जो आपको यहाँ पे मैंने बताया, ठीक है। ये एड्रेस आके आपने, ये आपका न्यू एड्रेस होगा, क्योंकि आपने न्यू वॉलेट क्रिएट किया होगा और आपने कोई भी यहाँ पे किसी भी आपने इस एड्रेस को यूज नहीं किया होगा, तो इसलिए आप यहाँ पे आके इसको ऐड करेंगे तो आप इसमें पार्टिसिपेट हो जाएंगे। उम्मीद है कि आप दोस्तों को इसकी समझ लग गई होगी कि किस तरह से आपने इसमें पार्टिसिपेट करना है, ठीक है ना। इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो जो इन्होंने यहाँ पे बताई है, वो हमने उसको फॉलो किया और यहाँ पे हमने आके कंप्लीट जो है करने के बाद यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। सिंपल सा काम है, आप इसमें लाजमी से पार्टिसिपेट कर लें। तीनों का तीनों ड्रॉस बहुत बड़े इवेंट्स हैं, आप तीनों को ज़रूर से ज्वाइन करें। और उम्मीद है कि आप इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो इंशाल्लाह आप, अगर यहाँ पे आपका नेम आ जाता है तो आपको अच्छी खासी जो है अमाउंट यहाँ से मिलेगी। SXP का जो ड्रॉप है इसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, उसके बाद ये वाले ड्रॉप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा और ये वाले ड्रॉप को भी, ठीक है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आप तमाम दोस्तों को पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखें। और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।